Hi guys, today I am going to discuss about Indus Water Treaty because it is in news. Okay, India took the significant step of sending the notice to Pakistan conveying its intent to amend the treaty around a month after the World Bank announced appointing a neutral expert and a chair of Court of Arbitration to resolve the differences over the Kishan Ganga and Rattle hydroelectric project. India has been particularly disappointed over the appointment of Court of Arbitration. Okay, actually क्या है, किशन गंगा ये है हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो झेलम नदी पे है, झेलम रिवर. ओके, सो इस पे क्या हो रहा है, पाकिस्तान क्वेश्चन कर रहा है कि ये ट्रीटी के हिसाब से नहीं है. और दूसरा प्रोजेक्ट है रैटल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. ओके, इस पे भी चेनाब रिवर पे इस पे भी इशू कर रहा है. ओके, सो उसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ ने वर्ल्ड बैंक ने अपॉइंटिंग ए न्यूट्रल अथॉरिटी एक्सपर्ट, ओके, चेयर ऑफ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इसी वजह से इंडिया डिसअपॉइंट हो गया. सो एक्चुअली क्या हुआ था, हम लोग ये जो ट्रीटी है ये 1960 का है. सो उस समय हम लोग मतलब बहुत गरीब, एक इंडिया एक पुअर, बहुत पुअर कंट्री था उस समय, क्योंकि हम लोग पास इवन इनफ फूड नहीं था कि हम लोग खा सकें. उसके अलावा ढेर सारे प्रॉब्लम थे क्योंकि हम लोग न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन बने थे उस समय. उसके अलावा ढेर सारे प्रॉब्लम थे. तो वर्ल्ड बैंक अमेरिका सपोर्ट भी करता था पाकिस्तान को, तो उसकी वजह से भी वर्ल्ड बैंक ने ये ट्रीटी बन गया था. और अब नाउ ऐसा कंडीशन नहीं है, हम लोग खुद फूड जो है दूसरे देश को सप्लाई करते हैं. और दूसरा ये जो ट्रीटी है ये आज से करीब 62 ईयर पहले हुआ था. सो इसमें बहुत कुछ चेंज करने की ज़रूरत है क्योंकि समय के हिसाब से अगर आप देखो तो क्लाइमेट चेंज का इशू आ रहा है. उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का जो डिमांड है इन इंडिया सो बढ़ रहा है. उसके अलावा वाटर का डिमांड जो है जम्मू कश्मीर एंड होल एज ए इंडिया बढ़ रहा है. सो ये अब ये समय के हिसाब से रिवाइज नहीं किया गया क्योंकि ये इतना काफ़ी टाइम होता है इसको रिवाइज करने के लिए. ओके, सो इसके लिए भी इसको किया जा रहा है. हाय गाइस, यू आर ऑन स्माइल आईएएस यूट्यूब चैनल. आवर टैग लाइन इज वीर होके वसुंधरा, मींस दोज हु आर हार्ड वर्किंग एंड एंबिशियस दे कैन अचीव एनीथिंग व्हाटएवर दे वांट इन देयर लाइफ. इंडस वाटर ट्रीटी is an international treaty signed between India and Pakistan in 1960 to allocate the water of Indus River and its tributaries between the two countries. The treaty was brokered by World Bank. It has been in force since 1960. The treaty is considered one of the most successful water sharing agreement in the world. हम लोग चार चार लड़ाई कम से कम लड़ चुके हैं. एक तो 1948 में हुआ था, दूसरा 1965 में हुआ था, तीसरा हुआ था 1972 में, एंड चौथा जो हुआ था वो 1999 में हो गया था. ओके, तो चार लड़ाई के बावजूद भी ये ट्रीटी अभी भी है. सोचिए कितने, ये इसीलिए इसको बोला जाता है मोस्ट सक्सेसफुल वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट. ओके, इंटरनेशनल ये इंडिया एंड पाकिस्तान में होते 1960 में था, ये ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक. ओके, जो ब्लैक में लिखा है उसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें. ओके, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं. हियर आर सम की पॉइंट यू शुड नो अबाउट द इंडस वाटर ट्रीटी. बैकग्राउंड, इंडस रिवर सिस्टम ओरिजिनेटेड इन तिब्बतन प्लेटू, फ्लो थ्रू इंडिया एंड पाकिस्तान. जस्ट देखिए, ये तिब्बतन प्लेटू है. तिब्बतन प्लेटू कहाँ है, चाइना में है, बट चाइना इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस ट्रीटी. ओके, सो इसको भी कहीं ना कहीं रिवाइज करने की जरूरत है. द बेसिन इज वन ऑफ द मोस्ट हैवीली पॉपुलेटेड रीजन इन द वर्ल्ड. ओके, एंड वाटर ऑफ द इंडस रिवर इंडस आर क्रूशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान. जहाँ पे पानी होता है वहीं पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होता है. शायद इवन आप इंडिया में भी देखोगे तो जो
गंगा रीजन है एंड ब्रह्मपुत्र रीजन है, इसमें मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया यहीं पे होगा, क्योंकि फूड एंड वाटर टू इम्पोर्टेंट थिंग रिक्वायर्ड फॉर अ पॉपुलेशन। ओके, जहां पे ये दोनों चीज होगा वहां पे पॉपुलेशन होगा। प्रोविजन, द ट्रिटी प्रोवाइड्स फॉर द शेयरिंग ऑफ वाटर ऑफ इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। द ट्रिटी एलोकेट्स थ्री रिवर, इंडस, झेलम, चेनाब टू पाकिस्तान, वाइल इंडिया इज एलोकेटेड थ्री ईस्टर्न रिवर, रावी, डीज एंड सतुलज। इंडिया इज अलाउड टू यूज द वाटर ऑफ दीज रिवर फॉर डोमेस्टिक नॉन कंजप्टिव एंड एग्रीकल्चरल पर्पज, वाइल पाकिस्तान इज अलाउड टू यूज द वाटर फॉर डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर एंड हाइड्रो हाइड्रो पावर पर्पज। ओके, आप जैसे यहाँ पे कैसे इसको याद कर सकते हो, जैसे यहाँ देखो इंडस है, चेनाब है, झेलम, इसको क्या बोल सकते हो, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसको इस सबसे याद कर सकते हो। ये वाला सी हो गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये किसके पास है, पाकिस्तान के पास है। सो थ्री रिवर आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्टली बोल सकते हो। ओके, इसमें इस ट्रीटी में कमीशन भी बनाया गया। ओके, परमानेंट इंडस कमीशन, द ट्रीटी स्टेब्लिश द परमानेंट इंडस कमीशन विद द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान टू इंप्लीमेंट एंड मैनेज द ट्रीटीज प्रोविजन। द परमानेंट इंडस कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजॉल्विंग एनी डिस्प्यूट दैट मे अराइज बिटवीन टू कंट्रीज रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रीटी। ओके, इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, देयर हैज बीन सेवरल डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। इन रिसेंट ईयर द टेंशन हैव एस्केलेटेड ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बाई इंडिया ऑन द वेस्टर्न रिवर अलाउड टू पाकिस्तान अंडर द ट्रीटी। यहाँ पे वेस्टर्न रिवर का बात हो रहा है। ओके, वेस्टर्न रिवर किसको एलोकेट किया गया, अब यहाँ देखो, द ट्रीटी एलोकेट्स थ्री रिवर, इंडस, झेलम, चेनाब टू पाकिस्तान, वाइल इंडिया एलोकेट्स थ्री ईस्टर्न रिवर। पाकिस्तान को वेस्टर्न रिवर किया गया है, इंडिया को ईस्टर्न थ्री रिवर। ओके, उसके अलावा भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी पे इंडिया, इसीलिए पाकिस्तान यहाँ पे ऑब्जेक्ट कर रहा है। ओके, इंपॉर्टेंस, द इंडस ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी इज कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट इन द वर्ल्ड। द ट्रीटी हैज सर्वाइव्ड थ्री वार बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान, थ्री वार। ओके, और यू कैन से फोर वार। ओके, 1999 वाज नॉट अ वार, मे बी यू कैन से, बिकॉज उसमें कुछ टेररिस्ट एंटर किए थे। ओके, इट्स नॉट अ वार। ओके, दैट्स व्हाई रिटन थ्री वार। ओके, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इट हैज बीन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। Criticism, the treaty has been criticized by some of for being too rigid and not allowing for change in the water sharing agreement based on changing circumstances. क्योंकि आज का, अब तो बहुत कुछ चेंज हो गया है, क्लाइमेट चेंज, यहाँ पे टेम्परेचर में कितना ज्यादा चेंज है, उसकी वजह से अन पानी वाटर का रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। ओके, सो ये सब इशू है। एंड देयर हैव ऑल्सो बीन कंसर्न रेज्ड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन चेंज ऑन इंडस रिवर सिस्टम एंड द नीड फॉर ग्रेटर कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टू मैनेज द रिवर वाटर इफेक्टिवली। ओके, ओवरऑल द इंडस वाटर ट्रीटी इज एन एसेंशियल एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान that has helped to prevent the conflict over water resource in the region. However, the treaty is not without its challenge. There is a need for greater cooperation between the two countries to manage the water of Indus River.